नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका रावत फनी फैमिली 0.2 में। तो जैसा कि कई सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे कि आप अपने घर का होम टूर करवाओ, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं आज अपने घर का छोटा सा एक होम टूर करवाने जा रहा हूं। तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है। तो अब शुरू करने जा रहा हूँ मैं, और शुरू करूंगा मैं अपने छोटे से गार्डन से जो मेरी वाइफ ने बड़े प्यार से समझाया है। तो चलो इधर से चलो, ठीक है। तो जैसा कि आजकल तोरी और बैंगन का ज़्यादा सीजन चल रहा है, और मेरी वाइफ ने ये तोरी की बेल लगाई है। अभी इसमें एक दो सब्जी तो आ गई तोरी की, लेकिन आजकल कुछ तोरियाँ दिखाई नहीं दे रही इसमें, पर बैंगन भी दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बैंगन नहीं, बैंगना है, देखो कितने बड़े बड़े बैंगन लगे हुए हैं ये देखिए। और एक बैंगन और होगा इधर, हाँ इधर ही है। तो और ये सारे बहुत सारे देखो बैंगन के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। तो देखो ये बैंगन आए हुए हैं, काफ़ी सारे बैंगन हैं, और ये भी बैंगन है काफ़ी। तो जैसा कि ये कड़ी पत्ता है, और आपको पता ही है कि कड़ी पत्ता के बगैर कड़ी का मज़ा नहीं आता है। और आगे मैं आपको और कुछ दिखाने वाला हूँ। और ये है एक बड़ा नींबू है, नहीं हाँ, बड़ा नींबू है। तो बड़ा नींबू है, ये मेरी माँ ने गाँव से इसका पौधा लेके आई थी, तो आज ये 1.5-2 साल का हो गया है। और अंदर दिखाने वाला हूँ मैं आपको, देखो वो नींबू का पेड़, कितने सारे नींबू लगे हैं उस पे, कितनी भरमार है नींबू की। वो भी 3 साल का हो चुका है, वो भी 3 साल का हो चुका है। और आगे ये मौसमी का पेड़ है, और ये मौसमी का पेड़ है, छोटी छोटी मौसमी लगी हुई है। मौसमी का बेटा, जो मौसमी का जूस मिलता है उसका पेड़ है। हाँ, तो आगे और किस चीज का है यहाँ पे, ये हमारा छोटा सा गार्डन। और आप लोग बोल रहे हो कि दिखाना बेटा वो पेड़ में ना, जड़ में हमने कल मिट्टी डाली है, वो देखो जड़ों में, तो जड़ों में इसलिए मिट्टी डाली है ताकि ये पेड़ मजबूत हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी ना कम हो गई थी इनमें। जैसा कि बालों में तेल जरूरी है, वैसे ही पेड़ों के जड़ों में मिट्टी जरूरी, ठीक है। तो दोस्तों बाहर से कुछ ऐसा दिखता है हमारा मकान, तो पूरा मकान दिखाना बेटा जरा। हाँ, तो अब अंदर चलते हैं। तो मेरी वाइफ ने कुछ छोटी छोटी बोतलें काट के बनाए हैं, कुछ पौधे लगाए हैं, और ये मनी प्लांट जा रहा है हमारा, ये दीवार के साथ साथ, एसी का हमने बांधा है रस्सी से, एसी के स्टैंड पे, और ये रस्सी के साथ साथ यहाँ तक जा रहा है। अभी तक इसके यहीं पे, अभी ये हाथ मांगेगा तो धीरे धीरे रस्सी बनाई हुई है हमने, तो रस्सी के साथ साथ जाएगा ये मनी प्लांट पूरा। और आगे अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको क्या क्या है। तो आओ दोस्तों, तुम्हें दिखाते हैं अपना घर। तो ये रहा हमारा ड्राइंग रूम, और ये रहा सिल्वर प्ले बटन, बाकी तो ये गिफ्ट दिए हैं दोस्तों ने, और आगे दिखाता रहूंगा मैं आपको। और ये मेरी फौज की फोटोएं हैं जब मैं आर्मी में था। आगे ले चलता हूँ आपको, ये रहा फ्रिज, अभी लिया था 5-6 महीने पहले, जेब में काफी चूना लगा था उस समय। ये रहा डाइनिंग टेबल, कभी इसमें बैठ के मैं खाना खाता हूँ ज्यादातर, आप और मैं ही खाते हैं। हाँ, ये राधा कृष्णा हमारे बजरंगी जी, और ये रहे हमारे बच्चे ने गिफ्ट दिया था ये शीशा, और ये किसने दिया था, बुद्धा जी फ्रेंड ने दिया था। अच्छा, ये श्वेता की फ्रेंड ने दिया था ना। हाँ। और ये रहा हमारा टीवी, और ये रहा चार धाम हमारे। तो ये रहा दोस्तों हमारा बेडरूम, तो कितनी प्यारी प्यारी डिजाइन कर रखी है, मेरी वाइफ ने करवाई थी ये। ये हमारी भी साथ में है, पूरे दीवार के साथ लगाई थी हमने। फटाफट दूसरे रूम में ले चलती हूँ। तो आओ दोस्तों, अब दिखाने जा रहा हूँ आपको अपने बच्चों का बेडरूम। तो ये है मेरे बच्चों का बेडरूम, और ये मेरे लड़के का पीसी लगा हुआ है यहाँ पे, जब भी इसको टाइम मिलता है तो इस पीसी पे अपना टाइम पास करता है, सीखता है कुछ। और वो रहा हमारा पूजा का स्थान, और आगे मैं ले जाने जा रहा हूँ आपको अपने किचन में। तो किचन की तरफ चलते हैं, और ये रहा किचन। तो किचन में जैसे कि अभी चावल चढ़े हुए हैं और सब्जी चढ़ी हुई है, ठीक है। और बाकी ये देखिए हमारा सब कुछ सामान रखने का इसमें है, अलमारी बनाई हुई है, कवर्ड बनाए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये आरओ लगा हुआ है इधर, सिंक लगे हुए हैं। और आगे आपको फिर दूसरी मंजिल पे चलते हैं, दूसरी मंजिल पे दिखाते हैं क्या क्या है। तो आइए दोस्तों, दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं ऊपर अपना दूसरा जो हमारा डबल फ्लोर है, तो डबल फ्लोर पे जाने वाला हूँ आपको मैं अभी। तो जैसा कि ये रूम है, ये मेरी लड़की का रूम है, इस रूम में मेरी लड़की क्या करती है, एक्सरसाइज करती है। जैसे कि उसके ये डंबल रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये पानी की बॉटलें रखी हुई है, और ये पढ़ाई भी यहीं पे करती हो। और देखो कान्हा जी भी उसी ने ही डेकोरेट किया था। और बाकी तो ये देखिए हमारी जो डिक्शनरी है, बुक्स है, कुछ काम की बुकें होती हैं ये, जो हमने अभी तक संभाल के रखी हुई हैं। और ये उनको किसी गिफ्ट दिया था मेरी लड़की को, अभी थोड़ा सा टूट भी गया, पर कोई बात नहीं, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, संभाल के रखना चाहिए हमेशा।
और आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं अपने मम्मी पापा का रूम। तो मम्मी पापा तो अभी गांव गए हुए हैं और उनका रूम हम बिल्कुल संभाल के रखते हैं, आने वाले हैं अगले महीने को। तो आइए शुरुआत करते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको मम्मी पापा का रूम। सबसे पहले दिखाता हूँ मम्मी का रूम। तो मम्मी का देखिए, अभी हमने जिसको बिस्तर ऐसे रखा हुआ है, जब आएंगे वो तो ये जो है तैयार रहेगा उनके लिए रूम। आती उनको बिल्कुल टनाटन रूम चाहिए, ठीक है। और पापा का रूम दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये पापा का रूम है। और अभी पापा का भी बिस्तर हमने ऐसे रखा हुआ, बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है, जब आएंगे तो खोल देंगे इसको। और पापा के लिए स्पेशल टीवी लगा हुआ है यहाँ पे, जब भी आते हैं तो टीवी लगा के उनका क्या होता है कि भाभी जी घर पे हैं, फेवरेट सीरियल है और सीरियल देख के वो अपना टाइम पास करते हैं। तो आगे मैं आपको छत पे ले जाने वाला हूँ, ठीक है। तो छत पे जाने से पहले यहाँ पर किचन है और किचन में लाइट जलती है। हाँ किचन है, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम किराएदार तो रखते नहीं है, ठीक है। तो किचन भी ऐसी रहता है क्योंकि हमारे मम्मी पापा रहते हैं, तो उनको हम स्पेशल दो रूम उनके हैं स्पेशल, जब वो 6 महीने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो आगे चलो छत पे चलते हैं, छत पे जाता हूँ, आपकी छत से पूरा नज़ारा दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ छत की तरफ और छत में दिखाऊंगा आपको कि छत से क्या क्या व्यू आता है हमारा। और बहुत ही अच्छा व्यू है छत का, और देखिए कितनी बड़ी मोंटी बनाई है मैंने ये, तो पूरा मोंटी। अगर दिल्ली में इस मोंटी में अगर रूम दिया जाए ना इसका, तो कम से कम ये भी आएगा तो 3,000 से कम किराया नहीं आएगा। और यहाँ पर हम पूरा पुराना सामान पड़ा है मोंटी में, जो भी रहता है अगरम सगरम, जो सामान किसी काम का नहीं है, काम का है तो उसको बाद में यूज कर लेते हैं, है ना। और देखिए ये हमारी छत, और यहाँ से देखिए पूरा व्यू कितना जानदार, कितना शानदार। नई कॉलोनी कट रही है, मकान बनने पर, मकान मतलब जो है ना दिन रात मकान बन रहे हैं, नई कॉलोनी है ये। और आगे भी यहाँ पर मकान इतने बन रहे हैं कि मतलब देखिए हर जगह मकान ही मकान बन रहे हैं। अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो 5 साल पहले यहाँ पे सिर्फ 2 मकान हुआ करते थे, आज यहाँ पे कम से कम 50 मकान बन चुके हैं, कम से कम 40 मकान तो कंस्ट्रक्शन पर लगे हुए हैं। अब आगे दिखाता हूँ आपको, जैसे वो आपको गाड़ियाँ दिख रही होंगी उधर, वो चंडीगढ़ से जलंधर बाईपास है, और यहाँ से पूरा जब चंडीगढ़ से जम्मू के लिए, लुधियाना के लिए और पठानकोट के लिए बाईपास है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा शानदार व्यू, पेड़ देखिए कितनी, जब यहाँ पे शाम को हम छत पे आते हैं तो बिल्कुल ठंडी हवा आती है और बहुत अच्छा आनंद आता है यहाँ पे। अब पीछे पीछे देखिए, पीछे ये पीछे का नज़ारा। तो दोस्तों ये मैंने मिर्च भी सुखाने के लिए रखी है, मिर्च का भी काफी रोल होता है ना खाने में। हाँ ये तो है भाई। तो घर तो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना। तो जैसा कि आज हमने आपको अपना घर का होम टूर करवाया, और दोस्तों आपको अगर हमारा ये घर का एक छोटा सा होम टूर था है ना, अच्छा लगा हो तो पक्का लाइक शेयर और कमेंट पक्का करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।